पोर्टल जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चला रहा है, और किसानों को जो शेड्यूल बना के देना है वो सभी किसानों को शेड्यूल साथ बन के आ जाएगा। उसमें से 20% का जो किसान होंगे उनको शेड्यूल हम कर सकते हैं, किसान अपने आप भी शेड्यूल चेंज कर सकता है। किसान को जब मैसेज आएगा उसके साथ एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को खोल के किसान अपना शेड्यूल आगे या पीछे कर सकता है। सिर्फ सेम डे में चेंज नहीं होगा, आगे पीछे वो कभी भी उसको चेंज कर सकता है। दूसरा, जिस तरह से पिछली बार हम 24 घंटे तैयार हैं किसानों के लिए। किसानों को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम उसको सोल्यूशन निकालने की तुरंत कोशिश करते हैं। इस बार पोर्टल में दिक्कत आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि जो पिछली बार दिक्कतें आई थी उनको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया गया। सर, दूसरा, अभी तक सिरसा जिले की पूरी बात करें तो करीबन 70% किसान है जिन्होंने पोर्टल लगाया, बाकी किसानों के लिए कोई नई डेट दी गई है? वो हमने अभी ट्रेनिंग हमारी लास्ट वीक थी तो हमने वहाँ पे बात की थी ट्रेनिंग की, उसके लिए ठीक लेटर आ गया। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को 2 दिन खुला रहेगा पोर्टल। किसानों से अपील ये करके करेंगे कि जो किसान को जब मैसेज आए वो अपने फसल सुखा के मंडी में लाए, गिल्ली काट के ना लाए, और जिस दिन शेड्यूल हो उसी दिन लेके आए। वो उठान को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई इस बार? उठान के लिए भी पोर्टल के थ्रू गेट पास एजेंसी जारी करेगी ट्रकों को। जिस किसान की फसल मंडी में पहले आएगी और आड़ती उसको सुखा के भर के और तैयार कर देगा तो पहले उस ढेरी को उठाया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम चलेगा, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। पिछली बार जैसे था कि आड़ती आड़ती हुई है, करता हमें पैसे देने पड़ते हैं ठेकेदार को उठाने नहीं, के लिए। इस बार सरकार ने ये सिस्टम बना दिया ऑनलाइन, जिसमें जिसकी फसल पहले भर के तैयार हो जाएगी पहले उसी का माल उठे।